हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी, जो कि हम घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। और आजकल जैसे हम लोग सब घर का फूड ही प्रीफर कर रहे हैं, सो इसलिए आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स मिल्क पाउडर की बर्फी, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही ईजी बन जाती है। सो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाफ ग्लास मिल्क, नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क है ये, एक कटोरी मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून घी और कुछ नट्स जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसको रख दिया गैस पे हीट होने के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी, घी के थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं इसको। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें। ये मिक्सिंग का प्रोसेस आपको लो टू हाई मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिए और लगातार इसको स्टिर करते रहिए। फ्रेंड्स, इसे लगातार स्टिर करते हुए ही हमें अच्छे से मिक्स करना है और हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये कढ़ाई से चिपकना बंद ना हो जाए। ये देखिए, धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है। हमें इसे बट अभी और कुक करना है। बहुत ही झटपट बनने वाली बर्फी की रेसिपी है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे विदाउट शुगर प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज जो मिल्क पाउडर है वो इटसेल्फ स्वीट होता है, इसलिए मैं इसे विदाउट शुगर ही प्रिपेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से थिक हो गया है, बट अभी इसे हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। थोड़ी सी और थिकनेस चाहिए बर्फी को सेट करने के लिए, बर्फी जमाने के लिए। अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो गया है, अब इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बर्तन में बर्फी सेट करने के लिए। बर्फी सेट करने के लिए मैंने बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसे निकाल देते हैं और इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और अब हम इस पे चॉप किए हुए नट्स को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और स्पैटुला की हेल्प से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि नट्स इसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, और फिर हम इसके पीसेस कट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बर्फी मिल्क पाउडर की रेडी हुई है। फ्रेंड्स, देखिए ये सेट हो गया, अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। इसका शेप साइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, रेडी है मिल्क पाउडर की बर्फी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपना फीडबैक कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।
एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।